ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां यूपी के महोबा में युवा अधिकारी अपने काम के दौरान हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। बीते एक सप्ताह पहले एचडीएफसी यानी कि बैंक कर्मी की लैपटॉप चलाते चलाते मौत हो गई। वहीं जिला पंचायत विभाग के अपर मुख्य अधिकारी ऑफिस में काम करने के दौरान अपनी कुर्सी से जमीन पर जा गिरे, जिसके बाद उन्हें सीने में दर्द की शिकायत के बाद जिला अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें हृदय रोग संस्थान कानपुर के लिए रेफर कर दिया। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के पक्षकार दिनेश शर्मा ने कहा कि कुमार स्वामी ने भगवान श्री कृष्ण को चरित्रहीन बताया है। ये लोग भगवान श्री कृष्ण के नाम पर ही खाते हैं और भगवान की ही निंदा करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजभूमि में आकर के जो रासलीलाएं की गोपियों के साथ में, उसका सही तरह से भाव नहीं समझ पाए कुमार स्वामी। इन्होंने जो कहा है कि भगवान श्री कृष्ण चरित्रहीन थे, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इनकी बुद्धि दृढ़ भ्रमित हो गई है। ये लोग अनाप शनाप पैसा कमाकर, गौशालाओं के नाम पर पैसा कमाकर, तंत्र विद्या के नाम पर पैसा कमाकर, इनकी बुद्धि खत्म हो गई है, छीण हो गई है। ये लोग राधा कृष्ण के नाम से खाते हैं और उन्हीं को बदनाम करते हैं। ब्रज की आराध्य राधा रानी को लेकर कथा प्रवक्ता प्रदीप मिश्रा द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर उठे तूफान के बीच अब ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी के वायरल वीडियो को लेकर हंगामा शुरू हो गया है। दरअसल ब्रह्म ऋषि कुमार एक वीडियो में भगवान श्री कृष्ण के चरित्र पर बोलते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर ने विरोध प्रदर्शन किया। सीबीजे हेमांगी शखी ने अपना नाराजगी जताते हुए यानी कि अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी पर करारा हमला किया। हेमांगी शखी का कहना है कि भगवान श्री कृष्ण पर अनर्गल टिप्पणी करने से पहले स्वामी को खुद अपने चरित्र का आकलन कर लेना चाहिए। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजभूमि में आकर के जो रासलीलाएं की गोपियों के साथ में, उसका सही तरह से भाव नहीं समझ पाए कुमार स्वामी। इन्होंने जो कहा है कि भगवान श्री कृष्ण चरित्रहीन थे, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इनकी बुद्धि दृढ़ भ्रमित हो गई है। ये लोग अनाप शनाप पैसा कमाकर, गौशालाओं के नाम पर पैसा कमाकर, तंत्र विद्या के नाम पर पैसा कमाकर, इनकी बुद्धि खत्म हो गई है, छीण हो गई है। श्रावस्ती में डीएम की अध्यक्षता में उद्योग बंधु की बैठक हुई, जिसमें डीएम अजय ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को लेकर समीक्षा की। डीएम ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और तमाम योजनाओं के बारे में चर्चा कर सही दिशा निर्देश जारी किए हैं।